हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टैग। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं, आपने नया नया अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है और आप अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियोस भी अपलोड करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग जो आपको अपने यूट्यूब चैनल पर ज़रूर करनी चाहिए अगर आपका नया नया चैनल है या फिर आपने अभी आपको इतना ज़्यादा पता नहीं है सेटिंग्स के बारे में यूट्यूब की, तो आपको ये सेटिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस सेटिंग के करने से आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ बढ़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरे चैनल के ऊपर विजिट किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पर सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, क्रोम ब्राउजर जो है हमारा, उसको ओपन कर लेना है सबसे पहले। तो हमें तो यहाँ सिंपल हम क्रोम ब्राउजर पे क्लिक करेंगे और उसे ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है URL के अंदर www.youtube.com, आपको ये सर्च करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके से YouTube चैनल खुल गया मेरा, एक डमी चैनल जो मैंने आपको सिखाने के लिए जिसमें लॉगिन किया हुआ है। तो आपको भी इसी तरीके से अपने YouTube चैनल के अंदर यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है, अगर लॉगिन नहीं होगा तो। ठीक है, ये लॉगिन करने के लिए मैंने आपको youtube.com पे लेके आया। नहीं तो हमें अब क्या करना है आगे, जैसे आपका चैनल अब लॉगिन हो गया, उसके बाद आपको दोबारा यहीं पे URL के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है studio.youtube.com, आपको ये टाइप करना है। ठीक है, और आपका YouTube क्रिएटर स्टूडियो जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा इस पे क्लिक करते ही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो चैनल का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको सबसे टॉप बॉटम में लेफ्ट साइड में ही आपको ये सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपल इस सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेटिंग्स खुल जाती हैं आपकी। ठीक है, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये सेटिंग्स आ गई आपकी सारी। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में काफी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जनरल, चैनल, अपलोड डिफॉल्ट्स। तो हमें सिंपल ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है अपलोड डिफॉल्ट्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपलोड डिफॉल्ट वाला ऑप्शन आपके सामने ओपन हो गया है। तो इसमें हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि अपलोड डिफॉल्ट्स का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आप जो ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे डालेंगे वो ऑटोमेटिक आपकी वीडियो के अंदर आ जाएगा। जब आप कोई नई वीडियो अपलोड करने जाएंगे तो आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक ही बार में वो चीज डाल देंगे। ठीक है, जैसे टाइटल है, सबसे पहले टाइटल की बात करते हैं। टाइटल तो सारी वीडियोस का अलग अलग होता है, तो अलग अलग ही डालते हैं आप। तो यहाँ पे हम टाइटल में कुछ नहीं लिख सकते। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आता है। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है सबसे पहले, जो आप, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिखना है, हेलो फ्रेंड्स, ऐसे लिख देना है आपको। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू माई चैनल। यहाँ पे आप अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आना है और यहाँ पे आप लिख सकते हैं अबाउट दिस वीडियो। ठीक है, इतना लिख सकते हैं यहाँ पे आप। उसके बाद यहाँ पे अबाउट दिस वीडियो में आप कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि आपकी जो वीडियो होगी अलग अलग होगी, तो वहां पे वो अबाउट भी आप अलग अलग लिखेंगे। उसके बाद हमें नीचे आ जाएंगे और सबसे नीचे हमें क्या लिखना है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे नीचे हमें लिखना है, ठीक है, जो सोशल मीडिया लिंक्स है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे फॉलो मी हेयर आल्सो। ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे फिर से और यहाँ पे हमें लिखना है फेसबुक लिंक। ठीक है, यहाँ पे हम फेसबुक लिंक दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इंस्टाग्राम लिखेंगे, इंस्टाग्राम लिंक। ठीक है, उसके बाद नीचे आप यहाँ पे ट्विटर का लिंक भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप सारे लिंक कॉपी करके डाल देंगे अपने। ठीक है, फेसबुक लिंक यहाँ पे डाल देंगे, ट्विटर का लिंक डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर आ जाना है अब। ठीक है, अबाउट के बाद आपका, जो अबाउट के बाद आपको यहाँ पे नीचे क्या लिखना है, अब ये जो सेटिंग मैं बता रहा हूँ ये आपको करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी से आपके व्यूज बढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान से देखनी है, ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यहाँ पे आपको लिखना है माई अदर वीडियोज। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी
अदर वीडियोस का लिंक डालना है, लेकिन आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट के लिंक डालने हैं जो आप प्लेलिस्ट बनाएंगे, ठीक है, या आपने बना रखी है। अगर नहीं आती आपको बनानी तो वो आपको मैं बता दूंगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाके सीख लेना कि किस तरीके से प्लेलिस्ट आप बना सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। अब इतना लिख के हमें वो लिंक यहाँ पे कॉपी करना है, तो हमें सबसे पहले इतना जो हमने लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे, ये सेव का ऑप्शन है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो ये सेव हो गई हमारी सेटिंग। उसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं, कुछ जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ये थर्ड नंबर पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से आपकी प्लेलिस्ट आ जाएगी जो भी बनी हुई है, ठीक है। तो आपको सिंपल इसके ऊपर टैप करके रखना है, और इस पे आप जैसे ही टैप करेंगे यहाँ पे आपके सामने ओपन इन न्यू टैब का ऑप्शन आएगा, आपको इस पे क्लिक करना है और इसे दूसरे टैब के अंदर आपको ओपन कर लेना है। तो अब हम उस टैब के अंदर चलते हैं, ठीक है, यहाँ से ओपन हो गई ये प्लेलिस्ट, आ गई, इतनी वीडियोस हैं इसमें, 6 वीडियो हैं, ठीक है। यहाँ से आपको ये शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपल इस पे क्लिक करके इसे कॉपी कर लेना है, इसके लिंक को। तो यहाँ पे हम सिंपल शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस पे कॉपी पे क्लिक कर लेंगे, तो ये लिंक जो है वो कॉपी हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये कॉपी हो गया। अब वापस हम अपने चैनल पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वापस हम नीचे जो हमारी सेटिंग है उसके अंदर जाएंगे, हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे और वापस हम अपलोड डिफॉल्ट्स के अंदर जाएंगे, और फिर से हम यहाँ डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम नीचे आएंगे जहाँ पे हम थे, ठीक है, वो हम यहाँ पे देख लेंगे हम माई अदर वीडियोस कहाँ लिखा है, ठीक है। इसके नीचे आएंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लेलिस्ट, उसका कोई नाम भी ले सकते हैं आप, जैसे मैंने ऑल वीडियोस का नाम दिया हुआ है उस प्लेलिस्ट को, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे ऑल वीडियोस, ठीक है, यहाँ पे आप स्पेस दे देंगे या यहाँ पे आप टैप करके रखेंगे और यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो वो लिंक जो है आपका यहाँ पे वो पेस्ट हो गया है, ठीक है। तो जब कोई आपकी एक वीडियो देखेगा तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसको प्लेलिस्ट मिलेगी और वो इस पे क्लिक करेगा तो वो उससे आपकी काफी सारी वीडियोस देख सकता है, जिससे आपके व्यूज भी बढ़ेंगे, आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा। तो ये काफी अच्छी सेटिंग है, ये आपको जरूर करनी चाहिए। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ये हो गया डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी का तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, जैसे इस पे क्लिक करके पब्लिक प्राइवेट अनलिस्टेड जो आप चाहें वो रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद नीचे टैग्स हैं, यहाँ पे आपको टैग्स लिखने हैं, तो यहाँ पे आपको 2 टैग्स तो हमेशा डालने हैं। एक तो आपको अपने चैनल का नाम डालना है यहाँ पे, जो भी आपके चैनल का नाम है, जैसे मेरे चैनल का नाम है Vikas31 Tag, एक टैग आपको ये डालना है, ठीक है। अब इसमें टैग कैसे बनेगा, ये आपको बाहर क्लिक कर देना है, तो ये टैग बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा क्लिक करके यहाँ पे दूसरा टैग आपको हिंदी डालना है, ये हिंदी बाहर क्लिक कर लेंगे, फिर से ये भी टैग बन गया, तो ये सब हो गया। अब यहाँ पे आपको नीचे सेव का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सेव कर लेना है। तो मैं यहाँ से अभी चैनल का नाम हटा देता हूँ ये वाला, क्योंकि ये मेरा तो डमी चैनल है, कोई दूसरा है, ठीक है। यहाँ पे मैं हिंदी रहने देता हूँ, आप अपने चैनल का नाम डाले रखना, ठीक है। मेरा तो ये दूसरा चैनल है, इसलिए मैंने तो आपको सिखाया है कि आपको अपने चैनल का नाम डालना है टैग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है, तो इस तरीके से आपकी जो सेटिंग्स है वो सेव हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस इम्पोर्टेंट सेटिंग को आप अपने यूट्यूब चैनल पे जल्दी से जल्दी करें, और अगर आपने पहले से कर रखी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, तो भी मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।